अगर आप सभी टेलीविजन इंडस्ट्री के पॉपुलर शोज को देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, सुनकर आप सभी को बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही होगी, पर सच्चाई यही है कि आपके फेवरेट शो आने वाले 15 दिनों के भीतर ऑफ एयर कर दिए जाएंगे। इस खबर को सुनकर आप भी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार कौन सा है वो सीरियल जो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। तो बस हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सभी शोज से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं उन सभी सीरियल के बारे में। नंबर 1, बैरिस्टर बाबू। क्यों, चौंक गए ना आप भी, लेकिन ये सच है कि कलर्स चैनल का पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। बताया जा रहा है कि सीरियल में लीप आने के बाद से ही सीरियल की टीआरपी काफी ज्यादा गिर गई है, जिसकी वजह से मेकर्स अक्टूबर के महीने में ही शो को बंद करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि इस टीवी शो की जगह रिप्लेस होगा जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाला टीवी शो सिर्फ तुम, जिसमें हमें ईशा सिंह के साथ विवियन डिसेना की जोड़ी देखने को मिलने वाली है, जिसका प्रोमो भी लॉन्च कर दिया गया है। नंबर 2, मेहंदी है रचने वाली। इस लिस्ट के नंबर 2 पर नाम शुमार है टीवी सीरियल मेहंदी है रचने वाली का, जो कि साल 2021 के फरवरी के महीने में ऑन एयर किया गया था। सीरियल में साई केतन राव और शिवांगी खेड़कर लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं, जहां दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत तो बहुत दिखाई दिए, लेकिन दोनों की ये जोड़ी दर्शकों का एंटरटेनमेंट करने में पीछे रही। और इसी वजह से अब खबरें सामने आ चुकी हैं कि जल्द ही मेकर्स शो को बंद करने वाले हैं, जिसकी जगह प्रोड्यूसर एकता कपूर अपने नए टीवी शो के साथ आप सभी का मनोरंजन करेंगी। जी हाँ, खबर है कि एकता कपूर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तैयारी में हैं, जिनका ये प्रोजेक्ट मेहंदी है रचने वाली टीवी सीरियल की जगह लेगा। नंबर 3, क्यों रिश्तों में है कट्टी बट्टी। इस लिस्ट में एक नाम जी टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक क्यों रिश्तों में है कट्टी बट्टी का नाम भी शामिल हो चुका है, जिसमें हमें नेहा मर्दा और आनंद सूर्यवंशी लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि जी टीवी पर प्रसारित हो रहा ये टीवी शो पिछले काफी दिनों से टीआरपी के मामले में काफी पीछे चल रहा है, जिसकी वजह से अब खबरें सामने आ चुकी हैं कि मेकर्स जल्द ही इस शो को बंद करने वाले हैं, जिसकी जगह लेगा जल्द ही टीवी पर प्रसारित होने वाला तेरे बिना जिया जाए ना टीवी शो, जिसमें हमें अंजलि तत्रारी के साथ अभिनेश रेखी की जोड़ी देखने को मिलेगी, जो कि अपनी इस जोड़ी के साथ जल्द ही पर्दे पर दस्तक देने वाले हैं। नंबर 4, अपना टाइम भी आएगा। जी हाँ, जी टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी सीरियल क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी के बंद होने की खबरों के बाद अब इस चैनल के दूसरे टीवी शो अपना टाइम भी आएगा कि ऑफ एयर की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये टीवी शो आने वाले नवंबर के महीने तक ऑफ एयर कर दिया जाएगा। वीर और रानी की कहानी को पेश करते हुए दिखाई दिए इस सीरियल ने ऑन एयर होने के पहले दिन से ही टीआरपी के मामले में अपनी कुछ खास जगह नहीं बनाई थी, जिसकी वजह से अब कहा जा रहा है कि शो जल्द ही बंद होने वाला है। और साथ ही ये खबरें भी चर्चाओं में बनी हुई हैं कि पुनर्विवाह जैसे टीवी शो को निर्मित करने वाले शशि मित्तल अपने नेक्स्ट सीरियल को इस शो की जगह रिप्लेस करेंगे, जो कि अपने इस प्रोजेक्ट की तैयारियों में जुट चुके हैं। नंबर 5, मौलकी। कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहा सीरियल मौलकी का नाम सुनकर तो आपको काफी ज्यादा धक्का पहुंचा होगा, क्योंकि अभी इस सीरियल को ऑन एयर हुए ठीक एक साल भी नहीं हुआ है कि इस सीरियल के ऑफ एयर होने की खबरें भी सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये शो आने वाले 20 दिनों में ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शो की कम टीआरपी की वजह से मेकर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, जो अब शो को बंद करने का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं। और खबरों की माने तो इस सीरियल की जगह प्रोड्यूसर एकता कपूर का सुपरनेचुरल सीरियल नागिन 6 देखने को मिलने वाला है, जो कि इन दिनों दर्शकों द्वारा खूब चर्चाएं बटोर रहा है। तो दोस्तों, आप इन सभी सीरियल में से किस सीरियल के ऑफ एयर होने की खबर सुनकर सबसे ज्यादा हैरान हो गए हैं? आप हमें इस सीरियल का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।